फोटोग्राफी एंड फाइन आर्ट्स क्लब ने थंब पेंटिंग का एक इवेंट रखा है जिसमें बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं और देखिए सब पेंटिंग बना रहे हैं। आपने क्या बनाया? मैंने एक फ्लावर बनाया है, आप देख सकते हैं। थैंक यू। मैम आपने? मैंने ये डांस करते हुए गर्ल बनाई है जिसमें मैंने सिर्फ फिंगर्स एंड थंब का यूज़ किया। वो नहीं दिख रहा है मुझे। वो एक शेडो भी कह सकते हैं कि शेडो पेंटिंग है। थ्री टाइप। मैंने एक पीकॉक बनाया है जो बस अभी स्टार्ट हुआ है, जो अभी बस स्टार्ट हुआ है, थोड़ी देर में एंड हो जाएगा। मैं एक सीनरी बना रही हूँ जो एक्चुअली मुझे भी नहीं समझ आ रही क्या बन रहा है, जो समझ में नहीं आता बस देखते हैं। मैंने एक पेड़ बनाया जो कि खत्म होने वाला है। तो गाइस ज़्यादातर लोग जा चुके हैं बना के और ये गाइस कर रहा है। लेट भी आते हैं और अरुण सर हमारे थोड़े लेट आए थे तो अभी बना रहे हैं और इनका देखो इतना बन चुका है एकदम बैठे। और ये पता है आरट जब भी बनाते हैं तो ये बवाल मचा देते हैं यार इसी बिजनौर में। ये डायरेक्टर सर और रजिस्ट्रार सर की भी पेंटिंग बना चुके, स्केच बना चुके हैं सॉरी। और एक और बाकी सब लोग बना के चले गए हैं अपना कलश, हाँ कलश छोड़ के। और हमारे अरुण सर टाइम पूछ रहे हैं हमसे तो हमारा टाइम कितना 3:49 हो चुके हैं। अरुण भाई आप बनाइए अच्छे से अच्छा और हम चाहते हैं कि आप जीतें, समझ रहे हो ना हम क्या चाहते हैं आपका हमें आप विनर चाहिए। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो फिर बनाओ। हम चाहते हैं हमारे वरदान भाई का चैनल ऐसे ही फलता फूलता रहे और वरदान भाई को जल्दी ही कामयाबी हासिल मिली। फलता फूलता वाह। तो गाइज़ यहाँ पे चल रही है रंगोली और रंगोली की जो रंगोली बनाई जा रही है वो काफ़ी अच्छी बन रही है यहाँ पे। These are the trophies for winners of the thumb painting competition and rangoli making. तो गाइस सारे जो इवेंट थे आज के, दो इवेंट थे, रंगोली वाला और एक था वो थंब वाला, थंब पेंटिंग कंपटीशन जो कि आज मैंने प्रियांशी मैम थर्ड ईयर से और फर्स्ट ईयर शुभांकर ने ऑर्गेनाइज कराया है। ये हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपटीशन था जिसमें बेसिकली आप थंब या फिर फिंगर्स यूज़ कर सकते थे पेंटिंग बनाने के लिए। बच्चों ने काफ़ी अपना टैलेंट दिखाया है, अपनी आर्ट दिखाने के लिए काफ़ी कोशिश करी है। तो गाइज़ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आपने पेंटिंग्स देखी होंगी, काफ़ी मस्त बनाई थी। और बस हम यही कहना चाहेंगे जो अगर आप बेसिकली सेम हर एक के जैसे करना चाहेंगे पेंटिंग्स, जैसे कई सारी पेंटिंग्स फूल पत्तियों पे थी तो डिफरेंट आती नहीं है। ऐसे ही आपको लाइफ में भी काम करना होता है, अगर सेम करेंगे बिल्कुल वो डिफरेंट बाहर निकल के नहीं आएगा। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यही पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।